वतन से हमें मोहब्बत है, अपने चमन से हमें मोहब्बत। एक ऐसा किरदार है, मोहब्बत के जो दुश्मन हैं वो ये भी गौर से सुन ले, मोहब्बत आसमानों के दरीचे खोल दे। दोस्तों आइए, वक्त बहुत कम है। अंजुमन रियाजुल इस्लाम स्कूल से एक और खूबसूरत ड्रामा, एक अच्छा प्ले, एक पैगाम स्वच्छ भारत के हवाले से, स्वच्छ भारत बनाने के लिए एक किरदार जो स्कूल की तरफ से पेश किया जा रहा है। आइए पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें अंजुमन रियाजुल इस्लाम। आजकल जहां भी देखो लोग तो सफाई अभियान के बारे में ही बात करते दिखाई देते हैं, लेकिन क्या ये सफाई मीडिया के लिए है? तो क्या ये सफाई वोट के लिए है? नहीं। तो हम सब ये सफाई कर भी रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, हम ये सफाई अपने शहर और अपने देश के लिए कर रहे हैं, और ये सफाई एक दिन का काम नहीं, हर रोज की जिम्मेदारी है। ये तो हुई समझाने की बात, आइए एक कैंडिडेट लें। इस सफेद बोर्ड पे लिखा है यहाँ दुर्गा माता है। इस सफेद बोर्ड पे क्या लिखा है? अरे मुझे तो पढ़ना नहीं आता, कुछ लेट हो जाएगी। यहाँ पर जो खूब पड़ी है यहाँ टूटना है, झूठना है करो। मेरा जो चल जल्दी से कूड़ा उठाओ दूसरी दुकान के पास लेके।
ये बहुत है तो बहुत अच्छे मगर इनमें मिर्ची बहुत है। ये इमारत कितनी खूबसूरत है, इसकी साफ सुथरी दीवारों पर नाम लिखना तो बनता है। प्यार से चंदू, आज से इमारत मेरी। मेरे अकेले से क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या आप सभी लोग इसी तरह अपने घर को भी गंदा रखते हो? क्या इस आशियाने को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं? क्या ये देश आपका नहीं? आप कहते हैं कूड़ा हमने भी फैलाया, लेकिन क्या आपने कूड़ा फैलाने को रोका भी तो नहीं? हमारे जरिए फैलाया गया ये कूड़ा हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, जिससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो सकती है। जुर्म करना और जुर्म होते हुए देखना दोनों ही गुनाह है। आप ये तो जानते कि सफाई आधा ईमान है, तो आपको क्या आपको किसी कानून या अभियान की जरूरत है ये बताने के लिए कि कूड़ा माफ करेंगे? समझ समझ